हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड से बहुत ही टेस्टी और यमी और झटपट से बनने वाला नाश्ता, जो बस कुछ ही मिनटों में बन जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई जो है गैस पर रख दिया, और मैं गैस को ऑन कर दूँगी। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा रिफाइंड, ज़्यादा रिफाइंड इसमें नहीं जाएगा। और अभी हम रिफाइंड को गर्म कर लेंगे। रिफाइंड हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, और अब मैं इसमें डालूंगी आधे चम्मच से थोड़ा कम, ये हमारे राई के दाने हैं, जिसे काली राई भी कहते हैं। और इसके साथ साथ मैं डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा, और इन दोनों को हम भून लेंगे। और तब तक भूनेंगे जब तक ये क्रैकल्स नहीं हो जाते हैं। राई और जो जीरा है हमारा, वो अच्छे से भुन गए हैं। और यहाँ मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, और तीन से चार मैंने हरी मिर्चें ली हैं, और मैं इसमें ये डाल दूँगी। प्याज को हमने ट्रांसपेरेंट होने तक जो है भूनना है। इसे ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ इतना कि ये थोड़े से गुलाबी हो जाए। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पे हरी मिर्च ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल इसमें नहीं करूँगी। तो प्याज हमारे काफ़ी हद तक गुलाबी हो गए हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैं इसमें हल्दी डालूंगी, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, और झटपट से बन भी जाती है, और खाने में भी बहुत स्वाद होती है। तो यहाँ मैं एक चम्मच के करीब मेरे पास जो पोहा मसाला है, ये पोहे के साथ मिलता है, वो डालूँगी। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या इसकी जगह मैगी मसाला भी टेस्ट के लिए डाल सकते हैं। तो ये हमारे जो है प्याज बिल्कुल रेडी हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पास 10 ब्रेड थी, जिसे मैंने मिक्सी में डालकर नॉर्मली इसको पीस लिया है इस तरह से। और अब मैं ये जो ब्रेड क्रम्स हैं वो इसमें डाल दूँगी। और इसे जो है अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। एक बार इसे अच्छे से हमने मिक्स करना है, ताकि जो सारा मसाला है वो ब्रेड में कोट हो जाए। और गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल धीमे रखेंगे। तो ये मैंने मिक्स कर दिया है, और अब जो हमने करना है, यहाँ मैं थोड़ा सा पानी लूँगी। यहाँ मैंने देखिए 2 चम्मच के करीब पानी लिया है, और इस तरह से हम इसमें ये छींटे लगा देंगे, और इसे जो है थोड़ी देर ढककर पकाएंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ब्रेड जो है वो सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं, हम अपने ब्रेड के पोहे को चेक कर लेते हैं। तो देखिए ब्रेड हमारी काफ़ी जो है मॉइस्ट हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, और ये बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया,
तो नाश्ता रेडी हो गया है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा गर्मा गर्म ब्रेड पोहा। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है, यमी है। इसे आप इसी तरह सर्व कीजिए, या चटनी के साथ या नींबू के साथ, बहुत ही पसंद आने वाला है सबको। तो अगर आपको मेरी ये हल्की सी ब्रेड क्रम्स का पोहा जो है वो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। अगली बार एक और नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक ले गुड बाय एंड टेक केयर।